गाइस, तो हम लोग निकल चुके हैं पूर्णागिरी के लिए। तो बरेली से 100 किलोमीटर पड़ता है पूर्णागिरी। तो फिलहाल अभी तो 1:30 बज रहा है और चलो देखते हैं कि हम लोग कितने बजे तक पूर्णागिरी पहुंच पाते हैं। बरेली विकास प्राधिकरण राम गंगा नगर। फिलहाल आज कोहरा बहुत ज़्यादा है, तो अभी तो थोड़ा कम हो गया, सुबह ज़्यादा था, धूप बिल्कुल नहीं निकली है, ठंड ज़्यादा है, हवा चल रही है, तो फिलहाल ठंड में मज़ा आएगी घूमने में। आसपास खुला बोलता होता है। मैं उत्तराखंड में संध्या चौहान, निशान चौहान, सुमित चौहान और हमारे साथ में बैक सीट पे शशांक चौहान, सारे चौहान पर। तो पूरी चौहान फैमिली गजब ऑनलाइन गाड़ी के अंदर। पूरी चौहान फैमिली की तरफ से गजब ऑनलाइन में आपका स्वागत है। पूरी चौहान फैमिली की तरफ से गजब ऑनलाइन में आपका स्वागत है और पूरी चौहान फैमिली आज आपको लेकर जाएगी पूर्णागिरी माता के दर्शन के लिए। फिलहाल अब जो है ना हम लोग उत्तराखंड के अंदर हैं और चलो भाई अब एक एक चीज अब जो है पूरा जो है ना देखते जाएंगे, एक्सप्लोर करते जाएंगे। अभी तक तो साथ ही से बैठे थे, अब हर एक चीज एक्सप्लोर होगी क्योंकि अब हम लोग जो है ना उत्तराखंड के अंदर हैं। बनबसा आ गया है। और मेरे इस ब्लॉग में सबको बोलने की परमिशन है, सब लोग बोल सकते हैं, बस अश्लील बातों को। तो अब यहाँ से टनकपुर 6 किलोमीटर बचा है, ये कैंट ऐसा लग रहा है ना एरिया पूरा। हाँ तो हम लोग कैंट एरिया के अंदर चल रहे हैं। ये था गलत लिख दिया, ये था उत्तराखंड। हम लोग जा रहे हैं विदेश विदाउट पासवर्ड। आज हम लोग टॉप दी गाड़ी सीधे विदेश। अभी हम लोग जो है थोड़ी देर में विदेश पहुंचने वाले, पता कौन से विदेश? नेपाल जा रहे हैं हम लोग। तारों के नीचे से जा रहे हैं, तारों के नीचे से वो भी कार लेके आ रहे हैं। ये मतलब उत्तराखंड का एक बॉर्डर पड़ता है जहाँ से नेपाल के लिए जा सकते हैं। मतलब वैलिड आईडी प्रूफ के साथ जाना, पैसे मत जाना। हमको टोपा लेना है तो हमने सोचा कि नेपाल से ले लेते हैं, इंडिया के टोपे सूट नहीं कर रहे हैं। हम टोपा लेने जा रहे हैं नेपाल। नेपाल में वैसे गर्म कपड़े अच्छे मिलते हैं। सो गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं टनकपुर। टनकपुर में एंटर कर चुके हैं और अब यहां से शुरू होती है पूर्णागिरी की यात्रा। अब देखते हैं हम लोग पूर्णागिरी माता के दर्शन कितनी देर में कर पाते हैं। फिलहाल अभी तो अब सबकी कुछ राय इस तरह की है कि कहीं एक जगह पे गाड़ी रोकी जाए, थोड़ा सा रेस्ट लिया जाए 5-10 मिनट का, फ्रेश हुआ जाए और गर्मा गर्म एक एक प्याली चाय पी जाए और वीआईपी दर्शन करें। हाँ, और वीआईपी दर्शन कैसे होंगे? वीआईपी दर्शन तो फिलहाल वीआईपी दर्शन करे जाए, तो फिलहाल चलो पहले तो चाय वाय पी लेते ना, सब थकान हो गई होगी। मतलब नॉन स्टॉप गाड़ी बरेली से चली रही है, कहीं पे गाड़ी रुकी नहीं है। बरेली से पहले नैनीताल गई। सॉरी हाँ, हम लोग जब बरेली से निकले थे ना तो पूरा की जगह नैनीताल पहुँचने वाले थे। 100 किलोमीटर की जगह 200 किलोमीटर पूरा करके। तो हम लोग थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे, एक्चुअली भटक क्या गए थे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था आपस में बातचीत करने में, हम थोड़ा सा जो है ना हमारा माइंड डिस्टर्ब हो गया। गर्मियां होती तो फिर पूर्णा के कैंसिल था, सीधा नैनीताल फिर हम लोग नैनीताल वाले रूट पे चले गए और अब तक तो हम लोग के दर्शन हम लोग हो सकता है नीचे आ गए होते, लेकिन रास्ता भूल गए तो हम लोग करीब 70 किलोमीटर आगे चले गए, आगे निकल गए। फिर वो तो नीशु को एकदम से दिमाग में आ गया कि मतलब हम लोग कौन से रास्ते पे जा रहे हैं, रास्ता चेक करो। तो फिर रास्ता चेक किया तो देखा तो हम लोग बहुत ही अपोजिट और बहुत ही रॉन्ग चले गए थे। तो बस तभी तो फिलहाल मेरा व्लॉग बन जाता, जाना था पूर्णागिरी और पहुंच गए नैनीताल। ये टाइटल रहेगा। हाँ, ये टाइटल रहेगा। लेकिन टाइटल देख के थोड़ी आ जाएगा, पूर्णागिरी पहुंच गए नैनीताल। पूर्णागिरी माता ने कहा नहीं, हम दर्शन देंगे, नैनीताल बाद में जाना, पहले इधर आओ। तो फिलहाल चलिए दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा कहीं पे देखते हैं गाड़ी कहाँ पे रुकती है हमारी, थोड़ा सा वहाँ पे रेस्ट लेते हैं 5-10 मिनट का, चाय वगैरह पीते हैं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं आगे माता रानी के दर्शन के लिए। भैया हम लोग रुकने वाले थे कहाँ और मिल गई सीएनजी, तो नीशु कह रहे हैं सीएनजी भगवान मिल गए, प्रभु मिले। तो पहले जो है ना सीएनजी गाड़ी में फुल करवा ले, उसके आगे के बाद के सब बाद में देखे जाएंगे।
ना एक जरूरी सूचना दे देती हूँ, काम की बात। तो मतलब जैसे पूर्णागिरी माता का जो द्वार स्टार्ट होता है ना, गेट स्टार्ट होता है जहाँ से पुलिस वगैरह सिक्योरिटी वगैरह, उसी से पहले भगवान मिलते हैं। उसी से पहले महाप्रभु भगवान के दर्शन होते हैं। तो थोड़ा सा जस्ट पहले, हाँ, जिनकी गाड़ियों में सिलेंडर लगा हुआ ना सीएनजी वाला, उनके लिए भगवान प्रभु यहीं मिल जाते हैं दूर से आने के बाद। तो बस जस्ट पहले पेट्रोल पंप है जहाँ पे सीएनजी और पेट्रोल डीजल सब कुछ अवेलेबल है। तो सीएनजी की चिंता ना करें, पूर्णागिरी माता के मेन गेट में एंटर करने से थोड़ा पहले आपको सीएनजी मिल जाएगी। और अब हम लोग मेन द्वार के अंदर, गेट के अंदर जो है एंटर कर चुके हैं। ये है थालखेड़ा। हाँ, ये जहाँ पे अभी हम लोग हैं ये है थालखेड़ा। थालखेड़ा और अभी 21 किलोमीटर बाकी है फिलहाल। अभी 21 किलोमीटर का सफर और तय करना है माता रानी के दर्शन के लिए। तो फिलहाल चलो 21 किलोमीटर का भी सफर तय कर लेंगे जब नैनीताल से हम लोग वापस आ गए। सो गाइस, तो फाइनली हम पूर्णागिरी माता के दरबार में पहुंची गए। और ये रहा पूर्णागिरी माता का, यहाँ से मंदिर शुरू हो जाता है और ये था गेट। तो अंदर अब हम लोग एंटर कर चुके हैं। और पूर्णागिरी माता के मंदिर जब आते हैं ना हम लोग, तब रास्तों का जो नज़ारा है, जो व्यूज है ना, बहुत अच्छे हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और जंगलों के बीच से रास्ता निकलता है। और यहाँ पे कई जगह तो बोर्ड लगा हुआ था और जिसमें सावधान किया हुआ था कि जंगली जानवरों से, जैसे जंगली भालू है, चीता है, शेर है, और भी कई सारे जानवरों के नाम लिखे थे, हाथी वगैरह के, इनसे सावधान रहे। और वो यहाँ पे दिखते भी हैं। और कई जगह रोड के किनारे किनारे इलेक्ट्रिक शॉक वाले जो तार होते हैं, वो तार ओपन करके ऐसे ही छोड़ रखे थे ताकि जो है ना उनसे बचाव रात में किया जा सके। और यहाँ पे जो है ना मंदिर में, ये देखिए मंदिर में जाने का रास्ता है। तो ऐसे जो है ना पूर्णागिरी माता के जब मेन जो आगे गेट पड़ता है, मेन गेट में जब एंटर कर जाते हैं उसके बाद भी करीब 6-7 किलोमीटर अंदर जाके माता का मेन मंदिर और चढ़ाई पड़ती है। तो इस तरीके से संकेत दिए हुए थे कि ऐसे ऐसे जाना है। और यहाँ पे 7 बजे तक ही एंट्री थी कि माता के दरबार में 7 बजे तक ही एंट्री थी कि 7 बजे तक ही दर्शन कर सकते हैं और उसके बाद फिर दर्शन अलाउड नहीं, क्योंकि फिर रास्ते सारे जो है ना इधर बंद कर दिए जाते हैं और रात में इधर जंगली जानवरों का बहुत खतरा है। तो हमारे घर में भी जब हम लोग निकल रहे थे ना, तो सब लोग काफी मना कर रहे थे कि देर हो गई है, 12-1 बज गया है, तुम मत जाओ, जाना है तो सुबह जल्दी जाओ, क्योंकि वहां पे रात में रास्ते जो है ना बड़े जो है ऊंचे नीचे रास्ते हैं पहाड़ों के किनारे पे, और चढ़ाई बहुत ज्यादा है और थोड़ा सा खतरा भी रहता है। तो फिलहाल हमने किसी की नहीं सुनी और हम निशांत और शशांक और सुमित हम सब लोग पूर्णागिरी माता के दर्शन के लिए आ गए माता रानी का नाम लेके। और तो यहाँ पे गाड़ी स्टैंड पे जो है पार्किंग में लगाने की तो इतनी लूट है और प्रसाद लेने में इतनी लूट है कि मैं क्या बताऊं। फिलहाल माता रानी के आशीर्वाद से हमने जो है ना अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी, जिसके 150 रुपये चार्जेस में जो पड़े थे, और हमें 7 बजे तक दर्शन करके वापस लौटना था। तो बस यहाँ पे माता के दरबार में हम पहुंच चुके हैं और अब यहाँ पे जो है ना हमने अपनी गाड़ी पार्क की है और प्रसाद लेके अब हम लोग माता रानी की चढ़ाई जो है दरबार में जाने के लिए चढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये वाला ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करती हूँ, अदरवाइज ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर मिलती हूँ माता।